दोस्तों कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। बात करेंगे स्त्री टू के बॉक्स कलेक्शन के बारे में। आज श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की स्त्री टू को दुनिया भर के बॉक्स पर रिलीज हुए 20 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं, 21वां दिन स्टार्ट हो चुका है। बात करेंगे स्त्री टू ने डे 18 को, डे 19 को, डे 20 को कितने कमाई की, डे 21 की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग की थी। दोस्तों स्त्री टू जो है वो डे 21 को इंडियन बॉक्स पर, दुनिया भर के बॉक्स पर कितना धंधा करने में सफल हो पाएगी। 21 दिनों के अंदर स्त्री टू ने हिंदी बेल्ट में कितनी कमाई की, ओवरसीज मार्केट में कितना कलेक्शन किया है और दुनिया भर के बॉक्स पे कितने कमाई की है। वहीं भी दोस्तों ये फिल्म अब तक किन किन मूवीज़ के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो पाई है, फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, फिल्म आज सिनेमा हॉल में किस तरह का हमको रिस्पॉन्स लेती हुई नजर आ रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप लोग इस वीडियो के साथ बनी रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बिंदी, अगर आप लोग श्रद्धा कपूर के डायन फैंस हो या फिर राजकुमार राव के डायन फैंस, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट दिखा सकता है। दोस्तों हिंदी बेल्ट में आपको बताना चाहूँगा, सुपरस्टार आमिर खान की गजनी मूवी ने 2008 में पहली दफ़ा 100 करोड़ का क्लब इन्वेंट किया था। 2009 के टाइम में थ्री इडियट्स ने, आमिर खान की मूवी ने हिंदी बेल्ट में 200 करोड़ का नंबर क्रॉस करके 200 करोड़ का क्लब इन्वेंट किया था। 2014 में आमिर खान की पीके मूवी ने हिंदी बेल्ट में 300 करोड़ की कमाई करके 300 करोड़ का क्लब इन्वेंट किया था। 2014 के बाद 2023 में शाहरुख खान की फिल्म पठान ने हिंदी बेल्ट में 400 करोड़ का नंबर क्रॉस किया, जबकि पठान ने 500 करोड़ का क्लब इन्वेंट किया था। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 550 करोड़ का हिंदी बेल्ट में क्लब इन्वेंट किया था। लेकिन दोस्तों क्या श्रद्धा कपूर की स्त्री टू लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 600 करोड़ का नंबर क्रॉस करके सबसे बड़ा क्लब इन्वेंट करेगी? क्या स्त्री टू हिंदी बेल्ट में लाइफ टाइम 600 करोड़ के आंकड़े को टच करके इतिहास के पन्नों में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप लोग अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। स्त्री टू लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में कितनी कमाई करेगी? फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, स्त्री टू ने केवल 21 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स पर छप्पड़ फाड़ कमाई करके सबको परेशान कर दिया। स्त्री टू ने 19 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 509 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई करके रणबीर कपूर की एनिमल मूवी का लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 503 करोड़ की कमाई करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। केजीएफ 2 का 434 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ के दंगल का 387 करोड़ का रिकॉर्ड भी स्त्री टू ने तोड़ दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पीके का 340, संजो का 342, बजरंगी भाईजान का 320 और टाइगर जिंदा का 339 करोड़ का रिकॉर्ड भी श्रद्धा कपूर की स्त्री टू तोड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, केवल 21 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 520 करोड़ के आंकड़े को टच करके स्त्री टू ने बाहुबली 2 का लाइफ टाइम 511 करोड़ का हिंदी बेल्ट में कमाई करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दोस्तों केवल 22 से 23 दिनों के अंदर शाहरुख खान की फिल्म पठान का 524 करोड़ का रिकॉर्ड टूट जाएगा, गदर 2 का 525 करोड़ का रिकॉर्ड कन्फर्म टूट जाएगा। मे भी दोस्तों ये फिल्म लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में कन्फर्म 560 करोड़ से लेकर 600 करोड़ की कमाई करके शाहरुख खान की फिल्म जवान का 582 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ के इंडिया की नंबर वन इनबॉक्स पर हाईएस्ट कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। अब बात कर लेते हैं स्त्री टू के डे बाय डे बॉक्स कलेक्शन के बारे में। स्त्री टू का बजट है 80 करोड़ का, जो दोस्तों अपने सिनेमा हॉल से बाहर बाहर अपने ओटीटी राइट्स एंड डिजिटल राइट्स बेच के अपना 80 करोड़ का बजट निकाल के बाहरी बाहर 20-25 करोड़ का प्रॉफिट में रुपया छाप लेगी। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म जिस तरह बॉक्स में भयंकर ब्लॉकबास्टर बनने का टैग लगवाया, इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स हैं कम से कम 120 करोड़ से लेकर 130 करोड़ के तो पक्का बिक जाएंगे। अभी तक इस फिल्म के कोई भी ओटीटी राइट्स बिकने नहीं पाए। वेल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स पर 15 अगस्त को 55 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 75 करोड़ की कमाई की थी। पहले 4 दिनों के अंदर इंडिया में 204 करोड़ की कमाई की और दुनिया भर के बॉक्स पे 283 करोड़ का धंधा किया। आज स्त्री टू को दुनिया भर के बॉक्स पर रिलीज हुए तीसरा वीक चल रहा है, तीसरे वीक के भी 6 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं और फिल्म बॉक्स पर लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। स्त्री टू का पहला वीक 8 दिन का था। पहले 8 दिनों के अंदर इंडिया में हिंदी बेल्ट में 307 करोड़ की कमाई की, इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 364 करोड़ का धंधा किया, ओवर्स मार्केट में 63 करोड़ की कमाई करके पहले 8 दिनों के अंदर स्त्री टू ने दुनिया भर के बॉक्स पे 429 करोड़ की कमाई करके केवल 8 दिनों के अंदर ही ब्लॉकबास्टर बनने का टैग लगवा लिया था। दूसरे वीक अंदर स्त्री टू ने हिंदी बेल्ट में 153 करोड़ की कमाई की, इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 186 करोड़ की कमाई करके ओवर्स मार्केट में 54 करोड़ का धंधा किया। दूसरे वीक अंदर स्त्री टू ने दुनिया भर के बॉक्स पे 233 करोड़ की कमाई की। तीसरे वीक अंदर डे 16 को हिंदी बेल्ट में 8 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड वाइड बॉक्स पे 13 करोड़ 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया। डे 17 को तीसरे सैटरडे को हिंदी बेल्ट में 17 करोड़ 40 लाख
रुपए का धंधा करके दुनिया भर के बॉक्स पे 26 करोड़ की कमाई की। डे 18 को हिंदी बेल्ट में 22 करोड़ की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 32 करोड़ का धंधा किया। डे 19 को यानी तीसरे मंडे को 7 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड बॉक्स पे 13 करोड़ की कमाई की। और दोस्तों डे 20 को स्त्री टू ने हिंदी बेल्ट में पूरे 6,50,00,000 रुपये की कमाई की है। इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 8,60,00,000 रुपये का धंधा किया है। डे 20 को ओवर्स मार्केट में 3 करोड़ की कमाई करके स्त्री टू दोस्तों डे 20 को दुनिया भर के बॉक्स पे 12,40,00,000 रुपये की ऐतिहासिक कमाई करने में सफल हो पाई है। ये थी भाई साहब स्त्री टू की पहले दिन से लेकर 20 दिन की फाइनल इंडियन बॉक्स पे हिंदी बेल्ट में और वर्ल्ड बॉक्स से अप्रूव शुदा लिस्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। दोस्तों बात कर लेते डे 21 के कलेक्शन के बारे में। डे 20 की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग 2,70,00,000 रुपये की, जबकि डे 21 की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग 2,40,00,000 रुपये की हुई है। बॉक्सेस की रिपोर्ट के अनुसार शारदा कपूर की स्त्री टू डे 21 को हिंदी बेल्ट में 6 करोड़ की कमाई करेगी। इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 8,60,00,000 रुपए का धंधा हमको कम से कम देखने को मिल सकता है। मे भी दोस्तों 8,30,40,00,000 रुपए की कमाई करेगी डे 21 को इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में। ओवर्स मार्केट में 2,40,00,000 रुपए की कमाई करके डे 21 को दोस्तों स्त्री टू दुनिया भर के बॉक्स पे कम से कम मेरे ख्याल में आराम से दोस्तों 10 करोड़ की कमाई कर लेगी। दोस्तों यहाँ पे 12,40,00,000 रुपए लिखा, लेकिन दोस्तों डे 21 को ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स पे कम से कम 10 करोड़ की कमाई करेगी, ऊपर भी नीचे हो सकता है। लेकिन दोस्तों 21 दिनों के अंदर ये फिल्म हिंदी बेल्ट में पूरे 522 करोड़ की कमाई कर चुकी है। 21 दिनों के अंदर इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 622 करोड़ की कमाई करके 620 करोड़ की। 21 दिनों के अंदर स्त्री टू ने ओवर्स मार्केट में 128 करोड़ की कमाई की है। और दोस्तों ये फिल्म 21 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 748 करोड़ की कमाई करके अपना 80 करोड़ का बजट निकालने के बाद 668 करोड़ की प्रॉफिट में रुपया छाप के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवा चुकी है। दोस्तों अगर बात करें ये फिल्म लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में कन्फर्म 600 करोड़ की कमाई करेगी। इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 720 करोड़ की कमाई करेगी। ये फिल्म लाइफ टाइम ओवर्स मार्केट में कन्फर्म 150 करोड़ का धंधा करके 200 ये फिल्म लाइफ टाइम दुनिया भर के बॉक्स पे 850 करोड़ से लेके 900 करोड़ की कमाई करके अब तक इतिहास के बोर्ड में सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी का टैग अपने नाम के ऊपर लगवाएगी। दोस्तों मेरे को यकीन नहीं आ रहा है कि इतने कम बजट से बनने वाली जो फिल्म है स्त्री टू बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टारों की बड़ी बड़ी एक्शन मूवी के बड़े बड़े बजट से बनने वाली मूवीज को पीछे पिछाड़ के रख दिया है। भाई सबसे नंबर वन डे बड़े इस फिल्म का कलेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। जितनी दोस्तों कलेक्शन डे 21 को स्त्री टू ने की है हिंदी बेल्ट में, इतना शाहरुख खान की फिल्म जवान पठान गदर टू एनिमल केजीएफ टू बॉबी टू ने भी नहीं की थी। जितना स्त्री टू ने डे 21 को भी डे 20 को भी धमाकेदार कलेक्शन किया है, भाई साहब इस मूवी का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही हमको ज़बरदस्त कलेक्शन देखने को, इस तरह इस फिल्म ने लगातार कमाई की। ये फिल्म अगर सिनेमा हॉल में 50-60 दिन चलती ये फिल्म बॉक्स पर पक्का 600 करोड़ का हिंदी बेल्ट में नंबर क्रॉस करके इतिहास के बोनों में सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम करेगी। चाहे दोस्तों स्त्री टू इंडिया की सारी भाषाओं में जवान का 5,643 करोड़ का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, लेकिन दोस्तों स्त्री टू लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 583 करोड़ का रिकॉर्ड तो कन्फर्म ही तोड़ देगी। वेल दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी 100% रियल, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप लोग राजकुमार राव शारदा कपूर के डायन फैंस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा। दोस्तों फिल्म सिनेमा में बहुत अच्छी कमाई कर रही है, किसी ने सोचा भी नहीं था मॉन्स्टर ऑफ द ब्लॉकबस्टर इतिहास के पन्नों में ऐसी मूवीज कभी कभी हमको देखने को मिलती है। किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था ये फिल्म जवान पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। 2024 की सबसे बड़ी फिल्म स्त्री टू को बॉक्स पे बड़े पर्दे पे देखने के लिए पूरी फैमिली के साथ जाइए। मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू सून।